अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम मोजिस नाजरीन खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर आरजे महविश की बेटी मुस्कान जहरा ने चंद दिन पहले खुदकुशी कर ली थी। मुस्कान जहरा के कातिल के मुतल्लिक आरजे महविश का बड़ा बयान मंजरे आम पे आ गया। आरजे महविश ने अपने बयान में मुस्कान जहरा के कातिल के मुतल्लिक क्या इंकशाफात दिए, आइए नाजरीन हम आपको अपनी वीडियो में मुकम्मल तफसील से बताते हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम मोजिस नाजरीन से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक आसानी से पहुंच सके। नाजरीन, आपको अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले, आरजे महविश ने मुस्कान जहरा के कातिल खादिम बलोच पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरजे महविश का अपने बयान में कहना है, खादिम बलोच और यूनुस गुरचानी के बाप ने मेरा सहारा छीना है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी बेटी के कातिलों को इस तरह खुशियां मनाते हुए नहीं देख सकती। आरजे महविश का अपने बयान में मजीद कहना था, मैं अकेली हूँ, मेरे सर पर किसी मर्द का हाथ नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी मदद करें ताकि मुस्कान जहरा के कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुना दी जाए। नाजरीन, ये था आरजे महविश का नया बयान जो हमने आपके साथ शेयर किया। आरजे महविश और खादिम बलोच के मुतल्लिक आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।